ये अल्हम्दुलिल्लाह नाजो है दी और ये जुम्मन की मदर है दी और ये जो अब हमारे पास जुम्मन है इसकी ये ग्रैंड मदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसे बेटी थी रुस्तम की थी और ये हमारे फॉर्म की प्राइड है विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह पाक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एनिमल। आप इसकी बिल्ड, इसका बोन स्ट्रक्चर और इसका रंग ये सारा चेक करें फ्रॉम हेड टू टो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेस्ट एनिमल और बेस्ट स्टैंडर्ड्स पे है। जो आप मक्खी चीना के स्टैंडर्ड्स कहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, उस हिसाब से आपने देखना है कि इसका बोन स्ट्रक्चर और खड़े होने का पोस्चर, लेग्स का बेंड इतना और वो बिल्कुल एक फ्रेम टॉरस फ्रेम में होके खड़ा होना, एक स्क्वायर फ्रेम में होके खड़ा होना, तो वो इसका होता है। और फ्रॉम हेड टू टो आप इसको देखें, एक फाइन एनिमल और इसका स्लोप और सारा कुछ, ये बहुत रिफाइन एनिमल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह इसका अभी ये फिफ्थ पैरिटी पे एनिमल आएगा हमारा और बाकी आप इसका देख लें इसके लेग्स का हिसाब किताब कि उनकी चौड़ाई और खड़ा होने का। इसी तरह आपने एनिमल का देखना होता है ये फ्रेम जितना ओपन हो तो उससे आपको ये पता चलता है कि एनिमल किस कैटेगरी का है। तो बस ये इसकी हाइट और इसकी लेंथ के बारे में कुछ बताइएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 42 टच की ये खड़ी है जी फीमेल। हाइट वगैरह नॉर्मली तो एज के साथ आनी होती है बट इतनी हाइट में इतना रिफाइन एनिमल थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अभी तो ये प्रेग्नेंट है दोबारा, इसका अटैचमेंट आपने देखना था। और लेंथ इसकी है 64 के करीब जी इसका, तो नॉर्मली इतना एनिमल बड़ा और कंपोज्ड एनिमल नहीं होता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप एज के हिसाब से देखें कि ये अभी एनिमल उतना ना एज शो करता है तो आपकी डाइट और वो ठीक हो तो एनिमल ठीक रहता है। चैनल के बारे में ये कहूँगा कि उसको सब्सक्राइब करें और अली गोट फार्म को देखें और लाजमी तौर पे करें, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेहरबानी, इंशाल्लाह नई वीडियोज़ आएंगी। ओके।